ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज 10.1, सिंपल इंटरेस्ट। बेटा ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इसी को हम लिखते हैं पी आर टी अपॉन टाइम। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। पहला क्वेश्चन है 10.1 का, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5575 एट 12% पर एनम या पर ईयर फॉर 5 ईयर। ठीक है, फॉर 5 ईयर। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कुछ चीजें दी गई हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या चीज गिवन है, गिवन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पी की वैल्यू दी गई है। पी कितना है, 5575 है। रेट आर की वैल्यू दी गई है, आर कितना है यहाँ पर, 12% है। टाइम टी दिया गया है ना, टाइम टी गिवन है, कितना है, 5 ईयर है ना। तो पी आर टी, देखिए हमें लिखा है पी आर टी, ये है पी आर टी, इनकी वैल्यू दी गई है। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हम बोलते हैं एस आई। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एस आई बोलेंगे। क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ना। यहाँ पर हमें सारी चीजें दी गई हैं, रेट भी पता है और टाइम भी पता है हमको। ये वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 5575 है और हमें रेट दिया गया है 12%, टाइम कितनी है, 5 ईयर है, अपॉन 100 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12, 52 5 5 10 5 50। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 5 30 और 6 7 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 5 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 30 प्लस 33 अपॉन 10 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा आएगा ₹3,345। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 3,345 रुपीज। नोट कर लीजिएगा आप लोग इनको। नोट हो गया, ओके, इरेज कर दें। बेटा रिवीजन नहीं करवा रहे हैं आपका, ठीक है, तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो रिवीजन नहीं करवाया जा रहा है, रिवीजन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, हाँ, चैप्टर जो हम हाफ ईयरली में दिए थे उसके बाद वाला चैप्टर आएगा आपका इस यूनिट टेस्ट में, चैप्टर 9 तक। हाँ, 7.2 से चैप्टर 9 तक क्वेश्चन आएगा। हाँ, वही लिख लीजिए। ठीक है, आपका जो पोर्शन होगा, ठीक है, पोर्शन लिख दे रहे हैं, मैथ्स पोर्शन, ये होगा आपका चैप्टर 7 to 9। ठीक है, ये आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही देंगे। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम लेंगे इसमें। हाँ, तो कंसिडर कर लिए, हाँ उसको भी कंसिडर करिएगा।
7.1 से लेकर चैप्टर 9 तक पूरा। ये पोर्शन है आपका यूनिट टेस्ट मैथ्स का। रिवीजन नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि अब रिवीजन नहीं होगा, ठीक है आप लोगों का। एक ये चैप्टर पढ़ा के उसमें क्या रिवीजन करवाया जाएगा बताइए। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रूपीज। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कुछ क्वांटिटीज दी गई है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है, प्रिंसिपल पी कितना है यहाँ पर, प्रिंसिपल दिया गया है आपको रूपीज 9750 रूपीज, ठीक है। और आपको यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट कितना है 2.5%, ठीक है। और टाइम दिया गया है, पर मंथ दिया गया है ना, रेट दिया गया ये पर मंथ और फॉर टू ईयर। टाइम यहाँ पर दिया गया है, टाइम है टू ईयर, ठीक है, टाइम टू ईयर दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एसआई फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट ये दो चीजें फाइंड करनी है। एक चीज देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं थोड़ा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो सबको पता है ना, एसआई का फार्मूला हमने लिखा है, अमाउंट का फार्मूला देखिए क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और प्लस एसआई, एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है हमारा अमाउंट का फार्मूला, ठीक है। ये अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अब जो चीजें दी गई चलो उन्हीं से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमको दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 9550 रुपीज, रेट दिया गया है 2.5%, टाइम दिया गया है टू ईयर ना। लेकिन जो ये यहाँ पर आपको रेट दिया गया है, ये रेट पर मंथ का दिया गया है और टाइम जो है ईयर में है। हम टाइम को फिर से फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल तो यही रहेगा, रेट भी यही रहेगा, टाइम टू ईयर में दिया गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो टाइम हमको दिया गया है वो टू ईयर है, ईयर में दिया गया है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा है ये पर मंथ का दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इस ईयर को मंथ में चेंज करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 24। ये 24 मंथ का हमें एसआई फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 24 मंथ का हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके बाद हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। चलो अभी हम एसआई फाइंड करेंगे। एसआई इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मींस प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल यहां पर दिया गया है 9750 रुपीज है और आपको रेट दिया गया है 2.5% है, इनटू टाइम दिया गया है ये आपको 24 मंथ है अपॉन 100 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से देखिए पॉइंट लगा, इस पॉइंट बढ़ाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर वो भी कैंसिल करते हैं उसको, ये हो जाएगा 975 इंटू, अभी जब डेसिमल हटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 24। अब यहां से जब डेसिमल हटेगा नीचे 10 बचा हुआ था, एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। 25 × 25 = 100, 4 × 4 = 24। कितना आ गया है आपका 975 इंटू ये 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 = 30, 3 कैरी होगा, 6 × 7 = 42 + 3 = 45, 4 कैरी होगा 54, 54 + 4 = 58 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5850 रुपीज उसको सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया उसको एसआई, एसआई हमने फाइंड किया, एसआई कितना आ गया यहाँ पर, एसआई आ गया 5850 रुपीज, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई पी प्लस एसआई पी मींस प्रिंसिपल, एसआई हमें अभी हमने फाइंड आउट किया, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है 9750 रुपीज है और हमारा एसआई कितना आया है 5850
₹850 आया है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 + 0 = 0 हो जाएगा, 5 + 5 = 10, 1 कैरी, और यहाँ पर 8 × 2 = 16, 1 कैरी, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये 15,600, ये हमारा आंसर आएगा। अमाउंट कितना होगा, 15,600 ये अमाउंट होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। समझ में आया क्वेश्चन? ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अदर डिपॉजिट 5,600 इन अ बैंक एट अ रूपी एट अ 2.1/8% पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 3 होल 1/4 ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। अदर डिपॉजिट, जो डिपॉजिट कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल कंसीडर कर लेंगे, कितना है हमारा 5,600 है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, रेट आर की जो वैल्यू है 2 होल 1/8% है। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 3 होल 1/4 ईयर, ये टाइम दिया गया है वहां पर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही फाइंड करनी है। एक मिनट, अभी दिख रहा है? देखिए कि यहां भी हमें SI फाइंड करना है, देन SI इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5,600 है, इंटू रेट कितना है 2 होल 1/8 है, इंटू टाइम है 3 होल 1/4 है, अपॉन 100 हो जाएगा। ये हमसे लिखेंगे 5,600, चेंज करेंगे 2 × 16 = 17 अपॉन 8, इंटू 4 × 12 = 13 अपॉन 4, ये हो गया होल अपॉन 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 56 × 17/8 × 13/4, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 4 बचा, 4 से बाद में डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 7 = 91 × 17/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 × 17 वन कैरी होगा, 17 × 9 = 153 + 154 / 4, अब डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो 4 × 4 और यहां पर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 कैरी 34 हो जाएगा, और 34 तो 8 × 4 = 32, 34 था तो 2 हो गया, यहां पर 27 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24, और 3 कैरी होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 7 × 4 = 28, 2 आएगा तो 5 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 386.75,
परसेंट ये हमारा क्या आ गया, एस आई आ गया, ठीक है। यही हमसे बोल रहा था फाइंड करने के लिए। हाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है, हाँ क्या 19 × 17/4 91 है, ठीक है। ये हमारा हाँ ये हमारा 91 है। हाँ 54 नहीं 56 है वो, नहीं दिख रहा है। ये है 7, ये 56 × 17/8 × 13/4 है, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, 8 × 8 ये 7 × 56 ये 7 है। हाँ ये ठीक है बेटा, इरेज कर रहे हैं हम और क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा।